चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहला जुमा पढ़ लिया रमज़ान के बाद। अभी जा रहे हैं घर और एक ले लिया हमने इंदोमी नूडल। घर जाके ये बनाते हैं और इसे खाते हैं। हाँ जी, चलिए बिना देरी के चलते हैं घर। चलें जी, झटपट से हमारी नूडल तैयार हो गई है। सच्ची में ज़बरदस्त है, मैं भूल गया पिछले 2-3 दिन भी शायद यही खाता रहता था। मज़ा आ जाए, मतलब फिट है बॉस। टाक में मज़े में ये आ जाए हफ्ता और शुरुआत अभी से हो रही है। अभी क्या टाइम है पता नहीं यार, 11:30 बज रहे हैं। तो 3 दिन से भाई बोल रहे लेके यार सीढ़ियाँ धो लो, सीढ़ियाँ धो लो, सीढ़ियाँ धो लो। तो हम भी आलस कर रहे थे कि देखेंगे धुल जाएंगे, देखेंगे। बट क्योंकि दिस इज़ हमारा फर्ज होता है बिकॉज हम छोटे, तो चलिए यार सीढ़ियाँ धोते हैं और क्या, अपने अपने हिस्से का काम करते हैं और चलते हैं। सीढ़ियाँ धोते हैं और फिर देखते हैं क्या है, ठीक हो गया तो चले मिलते हैं सीढ़ियों के बाद। हाँ अब सर, अभी मारते हैं इधर साफ पानी। चले हमारी छीड़ियाँ छाप हो गई है, बस अभी ये बाकी यहाँ से कोई कपड़ा मारना है, कोई कपड़ा लेके साफ सा कार सीढ़ी धो ली तो रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। सही है क्योंकि काम पे जाना था, तो आज हफ्ता है ना, स्टार्ट हो गया है। वो नहीं गया क्योंकि तबीयत अभी भी पेट ख़राब चल रहा है, तो मैंने कहा अभी रेस्ट, देखते हैं कल से ज्वाइन करते हैं काम, रेस्ट करके क्या कर रहे हैं, कल से ज्वाइन करते हैं काम। और गुड हो गया। अबे यार अभी ना हास हास के ना बुरा हाल हुआ पड़ा है, पता है क्या सीन हुआ? सीन ये हुआ कि मैंने सुबह 6 बजे जो है वीडियो अपलोड कर दी। अपलोडिंग के बाद भी थोड़ी, मैंने कहा यार आज कमेंट क्यों नहीं आ रहे, मतलब जो है मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर कमेंट किसी की नहीं आ रही। मैं सुबह सोच रहा हूँ यार, मुझे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है मेरी वीडियो में से, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। अच्छा ऐसे लेटा हुआ हूँ, मुझे आदिल का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, पूछता है कहता है वीडियो का टाइटल तो लिख। मैंने कहा वीडियो का टाइटल यूट्यूब में, मुझे फिर याद आया यार मैंने आज की वीडियो का टाइटल ही नहीं लिखा, थंबनेल लगा के जान छुड़ा ली, टाइटल ही नहीं लिखा। मैं हंस हंस के मतलब मैंने कहा क्या ब्लंडर हो गया भाई से, वाह सही है। तो मैं यार निकला हुआ हूँ यहाँ, भाई के काम से आया हुआ था बाहर थोड़ा बहुत, तो मुझे ना भूल ही गया था कि यार मोबाइल निकालना है, कुछ बोलना है, रूटीन दिखानी है, क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत वो ही पड़ी थी और ब्लॉगिंग नहीं चल रही है, तो इसीलिए जो है ना भाई को थोड़ा बहुत भूल गया। अच्छा वैसे दूसरा मुझे ये भी कहना था कि शायद हो सकता है इन दिनों में अब जो है ना मैं ब्लॉगिंग थोड़ी कम कर दूँ, क्यों ऐसे कर दूँ कि हफ्ते में एक या दो मतलब दो बार अपलोड किया करूँगा बस हफ्ते में, मतलब दो वीडियो या फिर एक वीडियो ऐसे ही, क्योंकि रूटीन तो वही होगी सेम, सुबह उठ रहे हैं जा रहे हैं काम पे, फिर वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, तो उसमें फिर क्या होगा कि मतलब आपकी आप भी बोर हो जाएंगे और मैं खुद भी मतलब सेम चीज़ें दिखा दिखा के ना बोर हो जाऊँगा। तो शायद इस वजह से फिर मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक ही कर लिया, क्योंकि हफ्ते में एक जुमेरात आती है तो उसमें आउटिंग हो जाती है फ्रेंड्स के साथ इधर उधर, तो वो थोड़ा बहुत चिल माहौल हो सकता है। बाकी तो सेम ही रूटीन लगी रहेगी कि भाई बाहर आ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम पे आ रहे हैं, फिर काम पे आपको पता है काम पे हो तो काम पे मोबाइल निकाल के फिर यूँ तो नहीं करते, हाँ गाइस ये देखें मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि आखिर जो बंदा पैसे पे करेगा तो वो उसको तो नहीं बर्दाश्त होगा कि भाई आप मोबाइल निकालो मेरे काम पे आके, तो समझा करो बात को। तो सबसे पहले तो यार अभी मैंने कमेंट पढ़ा, कल आज 7 मई, कल 8 मई है, तो कल जो है ना एक सिस्टर का बर्थडे है, सिस्टर सना, उनका नाम सना है और वो इंडिया से हैं। तो सिस्टर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू, और केक कहाँ है भी, खाली विश करवा लिया आपने, केक कहाँ है
चले खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, खैर आबाद से रहें, और यूँ ही हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, न भूलें, दुआ में हमेशा याद रखें, और उसके अलावा बस आपके नसीब अच्छे हों और अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करें। गुड हो गया। अच्छा तो मुझे एक और ये बात करनी थी आज के यार, कोशिश किया करें कि मतलब जहाँ भी आपको हेट, जहाँ से भी आपको हेट मिलता है, कुछ मिलता है, आप मतलब दूर रहें। मैं बोलेंगे भाई बोल कौन रहा है जो खुद कभी हेटर को जवाब दे रहा था। भाई कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरी होता है। हमेशा चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना ना, हमेशा चुप रहोगे तो फिर सामने वाले की ना आदत बन जाती है, वो फिर यहाँ बैठ जाएगा। तो हमेशा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि चुप रहने के काफ़ी नुकसान होते हैं। तो हमेशा चुप रहना इज़ नॉट गुड। तो बोलते रहो, मतलब सुनो भी सही, लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर बोलो। और दूसरा मतलब जहाँ आपकी जगह है, जहाँ आपकी सही वैल्यू है, आप वहीं फिट रहोगे। मतलब आप अपनी वैल्यू से, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है, आप खामखा उस जगह में घुसोगे, और अगर उस जगह में जाओगे तो जाहिर सी बात है फिर प्राइसलेस हो जाएंगे, प्राइसलेस हो जाएंगे, मतलब मामूली हो जाएंगे। तो इसीलिए वहीं रहें, उन्हीं के साथ रहें जिनके लिए आप कुछ वैल्यू रखते हैं, वो आपके लिए कुछ वैल्यू रखते हैं। तो जहाँ आपकी बात की वैल्यू और आपकी वैल्यू हो, तो इज दिस बेटर। और दूसरा, जो आपका दिल कर रहा है ठीक है, अब वो करो। मानता हूँ आप कभी कभी इंसान की सोच होती है कि मैं ये करूँ, लेकिन वो गलत होता है, तो इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जो है ना सक्सेस हों, लाइफ में फेल होना भी ज़रूरी है। और आप फेल होंगे, शायद बार बार होंगे, कोई मसला नहीं, आप फिर उठें, फिर कोशिश करें, फिर ट्राई करें, लेकिन करें वही जो आपके अंदर से आवाज़ है, जो आपका दिल चाहे। जो आपका दिल नहीं कर रहा वो आप नहीं करें, बाज़ अवकात ज़बरदस्ती करना भी पड़ता है, लेकिन मेरा एडवाइस यही है कि नहीं करें। जो करना पड़ता है वो फिर ना करने के बराबर होता है, ना उसमें आपका बेनिफिट होता है, ना अगले का बेनिफिट होता है। तो इसलिए जहाँ आपका दिल मुतमईन हो, जहाँ आपका माइंड करे, आप वही कुछ करो। आप फेल होंगे, आपको सुनाया भी जाएगा, बार बार ताने भी दिए जाएंगे कि हाँ भाई तूने अपनी कर ली थी ना, तो फिर देख लिया नतीजा। तो इट्स ओके, सब करते हैं, बार बार करते हैं, कभी ना कभी पास हो ही जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार फेल ही हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार फेल हो, पास भी होंगे कभी ना कभी। ट्राई करते रहें और हमेशा अपनी करें। अगर आपका दिल कर रहा है कि मैंने ये करना था, वो करें। जैसे कि अक्सर लोग हैं, अगर आपका दिल कर रहा है कि यार मैं भी कुछ करूँ, शुड आई डू, मैं भी कोई चैनल बनाऊँ, कोई कुकिंग के रिलेटिव, या फिर कुछ सिलाई वगैरह के रिलेटिव, या फिर ब्लॉगिंग के रिलेटिव, या फिर वाइंस के रिलेटेड, किसी चीज़ में भी आपका अगर दिल कर रहा है तो आप करें, ठीक है, इससे पहले कि देर हो जाए। आप करो, अगर आपका दिल कर रहा है अपने व्लॉगिंग करने, कुछ भी करना है मतलब आप करो। मानता हूँ अभी आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये है वो है, सौ सौ बातें बोली जाएंगी, लेकिन बाद में एक टाइम आएगा जब सब एग्री करेंगे कि यस करो। तो क्यों ना अभी से स्टार्ट करो, लेट्स डू इट। और बस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मेरे पास कहने को न जाने को कहीं, क्योंकि न जा रहा हूँ ना आ रहा हूँ, तो बस घर पे ही हूँ। तो ऐसी कुछ बातें थी अंदर जो मैंने कहा कर लूँ, बातें तो बहुत होती हैं बस, लेकिन ज़्यादा मैं फिर डीप गहराई में नहीं जाते हम लोग, वो फिर कभी जाएंगे किसी और दिन, किसी और वक्त, किसी और टाइम पे। तो अभी उन बातों का टाइम नहीं है, उनका टाइम आएगा तो फिर ज़रूर अपना टाइम आएगा। तो खैर भाई खुद भी सुस्त लगा पड़ा हुआ है, क्योंकि तबीयत नहीं सही हो रही है। जल्दी से तबीयत फिट हो तो मैं कहता हूँ कुछ जाएँ काम पे। बाकी यूँ तो फिट लग रही है, लेकिन अंदरूनी पेट में थोड़ा गुड़ गुड़ चलती रही है। और बस यही है कि बस भाई को दें अब यहाँ पर दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। दुआ में याद करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तब तक के लिए। अच्छा फिर काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि यार तबीयत ख़राब है तो जाके दवाएं लो ना, घर बैठ के यूँ करने से क्या होगा। तो जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, सही हो गया। अक्सर लोग फिर वो बोलते हैं हाँ यार दवाई नहीं लेते तो फिर क्या होगा। तो जस्ट सी, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये लुक इट दैट, ये
खत्म, ये खत्म, ये थोड़ी, ये भी थोड़ी, सही हो गया। तो ये दवाइयाँ भी चल रही हैं, ठीक है। अब कोई ये ना समझे भाई लेटे हुए हैं यार, इनको दवाई थोड़ी खाती हैं ये लोग। सब लोग कहते हैं ऐसे कि दवाई लेंगे तो आराम होगा, कुछ करेंगे तो दवाई लेंगे तो कुछ करेंगे, तो दवाइयाँ भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर के हालात थोड़े, अंदर का जो निज़ाम है ना थोड़ा उल्टा पुल्टा हुआ खड़ा है। तो ज़रूर सही होगा कि सालन वगैरह कुछ भी नहीं खा रहा, मैं खाता हूँ थोड़ा सा तो फिर कुछ भी खा लूँ थोड़ा सा तो फिर ताज़ा जो है ना भाई जाओ, तो इसलिए काम पर नहीं जाते क्योंकि काम पर फिर रूटीन अलग हो जाए। खैर इसी के साथ है भाई, कह तो मैं फिर से खा जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर बस हंसते रहें मुस्कुराते रहें ना भूलें, दुआ में हमेशा याद रखें, और बस इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जल्दी रिकवर करूँ, वो एनर्जी और वो सब कुछ वापस आए, थोड़ा पागलपंती करें और थोड़ा वही फिर से मस्ती मजाक हो। तो खैर चलते हैं, नहीं तो मैं फिर सर खा जाऊंगा। तब तक के लिए भाई को जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजिम है, एक तीन चार दिन से मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर थोड़े पीछे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, पहले आगे जा रहे थे अब पीछे जा रहे हैं, रिवर्स के गियर लगा लिया उन्होंने। खैर कोई नहीं, होता है अप एंड डाउन चलता रहता है, खली बल्ली। तो अल्लाह हाफिज़, हाँ।